पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बड़ों की तैनाती वच्चे पंचायत चूंटणी माटे मतदान करवामां आव्युं। प्रदेश में कूच बिहार जिला में आवेल बारावीटा प्राइमरी स्कूल पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ करवामां आवी। आ साथे ज बेलेट पेपर ने पण सळगावाना प्रयत्न करवामां आव्या छे। 8 जुलाईए सवारे 7 वागे मतदान शुरू थया बाद पोलिंग बूथ में आ घटना बनी। आ साथे ज मतदान शुरू थय ते पहेला मध्यरात्रिए तृणमूल कांग्रेस अने कांग्रेसना कार्यकर्ता वच्चे हिंसक घर्षण थयुं, तो चमसेरगंज विस्तार में घर में तोड़फोड़ करवामां आवी। पुलिसे घटनाने पगले स्थळ पर पहोंची परिस्थितिने काबू मेळवानो प्रयास हाथ धर्यो हतो। पश्चिम बंगाळना कूचबिहारनी फलीमारी ग्राम पंचायत पोलिंग बूथमां थयेला हुमलामां भाजपना पोलिंग एजेंट महादेव विश्वानुं मोत थयुं छे। आ हुमलामां भाजपना उम्मेदवारने पण इजा थता तेमने होस्पिटल दाखल करवामां आव्या। पोलिंग बूथ पर मतदान स्थगित करवामां आव्युं। भाजपना उम्मेदवार माया बर्मनो जे आरोप छे कि टीएमसी साथे संकळायेला केटलाक तत्वोए मारा एजेंट तरफ बॉम्ब फेंक्यो हतो अने तेना कारणे तेमनुं मोत थयुं, तो मारा पर पण हुमलो करवामां आव्यो। आ विशे वात करता दक्षिण कूचबिहारथी भाजपना धारासभ्य निखिल रंजने जणाव्युं हतुं कि आ हुमलामां अमारा कार्यकर्तानुं मोत थयुं छे, अमे आ मुद्दे हाईकोर्टमां अरजी करीशुं। पश्चिम बंगाल में वोट के नाम पर जो प्रहसन चल रहा है, ठीक उसी तरह मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी में फलीवाड़ी अंचल हमारा एक कार्यकर्ता महादेव विश्वास, वो पोलिंग एजेंट बना था उधर, और सुबह सुबह आके तृणमूल वाले ने उसको एकदम सिर पे गोली मार के उधर ही उसको मार दिया। अब उसका डेड बॉडी इधर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मैं सुबह सुबह पुलिस को फ़ोन किया ताकि उसका वहाँ से डेड बॉडी लाने के लिए, यहाँ से जो मेजो बाबू है उन्होंने खुद गया और डेड बॉडी लेके आया। पूर्वी मेदिनीपुर जिला में नंदीग्राम ब्लॉक एक ना रहीशोए महमदपुर विस्तार में पोलिंग बूथ में केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों की तैनाती न होने कारण मतदान बहिष्कार कर्यो, तो महत्वनुं छे के चिमकी उच्चारवामां आवी हती। गोविंद नामना मतदाताए आ विषे बात करता दावो कर्यो हतो के महमदपुर में पोलिंग बूथ नंबर 67 अने 68 में टीएमसी लोकोनो दबदबो छे। मृतकोना नाम पर बोगस मतदान करवामां आवे छे, ज्यां सुधी सुरक्षा बड़ों की तैनाती करवामां नहीं आवे त्यां सुधी अमे मतदान नहीं करीए। यहाँ वोट लूट होता रहता है, यहाँ का तृणमूल जो है वो हमेशा ही करता रहता है, जो मर जाता है उसका भी वोट देता है, जिसका वोट हुआ नहीं है वो भी आके वोट डाल के चला जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ केंद्रीय भवन जब तक ना आए हम वोट करने नहीं देंगे। हमारा लास्ट का ऊपर से जाके ये लोग वोट करेंगे जब तक ना वो लोग केंद्रीय भवन नहीं देंगे, यही हमारा कहने का मतलब है। और यहाँ वोट तब तक बंद रहेगा जब तक केंद्रीय भवन नहीं बुलाया। आप लोग डर रहे हैं? हम तो डरेंगे, हम तो हमेशा डरते रहते हैं क्योंकि ये लोग हमेशा मार झोर का, पिछले साल जो इलेक्शन गया उसमें हमारा सब घर तोड़ के लूटपाट करके चला गया, सबको मारा, मगर ये लोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया, हम चुपचाप चुपचाप मार खाता रहा। पश्चिम बंगाल में पंचायत की चूंटणी दरमियान अनेक जगह पर हिंसा बनाव बनया था, त्यारे आ विषे बात करता प्रदेश राज्यपाल आनंद बोझे जणाव्यु छे के चूंटणी गोळी थी नहीं परंतु बेलेट थी थवी जोईए। 8 जुलाई दिवसे तेमणे लोकशाही माटे जे डरामणो दिवस गणाव्यो। राज्यपाल उतरी 24 परगना तरफ जता हता त्यारे सीपीआईएमना केटलाक उम्मीदवारो तेमना काफलाने अटकाव्यो। तेमणे कह्युं छे के लोकोए घणी जग्याए मारा काफलाने अटकाव्यो अने हिंसा विशे जाणकारी आपी, आ बाबत खूब ज चिंताजनक छे। घणा पोलिंग बूथमां तोड़फोड़ अने बेलेट पेपर लूंटाया होवाना अहेवालो पण प्राप्त थया छे। पंचायत चूंटणीनी मतगणतरी 11 जुलाईना रोज हाथ धराशे। Where the ordinary man on the street is empowered to vote according to his conscience. He says that he is not able to vote. Maybe it's stray incidents, but there should be a stop to it. Elections must be through ballots, not bullets. पश्चिम बंगाल में पंचायत चूंटणी दरमियान हिंसा की घटना साथ ज लोकशाही ने शरमाए तेवा दृश्य पण सामे आव्या छे। मतदान दरमियान क्यांक मतपेटीनी लूंट तो क्यांक मतपेटीने आगचंपी करवामां आवी, एटलू ज बाकी होय तेमां कूचबिहार में तो एक युवान मतपेटीने लईने भागतो पण जोवा मळ्यो। बंगाल में मतदान दरमियान केटलाक मतदान मथकों पर तोड़फोड़ना बनावो पण बन्या अने खास करीने कूचबिहार में असामाजिक तत्वोए मतपेटीने आगचंपी करी हती, तो हुबली में एक मतपेटी पाणी में तड़ावमां फेंकी देवामां आवी। तो छेल्ला केटलाक वर्षोथी ईवीएमना बदले बेलेट पेपरथी मतदाननी मांग उठी छे, तेवामां मतपेटीनी
रिश्तन की लूंट मतपेटी में आग चंपी दृश्य चिंता उपजावे तेवा छे। पश्चिम बंगाल मंत्री शशि पंजाए जणाव्युं छे कि प्रदेश में पंचायत की चूंटणी शुरू थाय ए पहला ज मधरात्रे घणी जग्याए अनिच्छनीय बनाव बन्या। आ प्रकार की घटना खूब ज चौंकावनारी और दुखद छे। भाजप सीपीआईएम और कांग्रेस साथे मळीने पोलिंग बूथ में केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों ने तैनाती करवानी मांग हती। मधरात्रिए घर्षण और हिंसाना बनाव बन्या त्यारे केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों क्यां हता? केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों केम नागरिकों रक्षण करवामां निष्फळ साबित थया? टीएमसी ना बे कार्यकर्ताओं की हत्या करवामां आवी छे। जे लोको शांति माटे केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों ने तैनातीनी मांग करी हती ए लोकोने जणावा मांगू छू के केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों लोकोनु रक्षण करवामां निष्फळ साबित थया छे। Shocking and tragic incidents have unfolded the night before the voting which has just started this morning in the panchayat elections in West Bengal. The BJP, CPM and the Congress who had colluded together, they were clamoring for the central forces. Where is the deployment? Why have the central forces failed to protect the citizens? Trinamool Congress workers have been murdered. Two have been shot at in Domkol. And those who were asking for deployment, and they were saying that these central forces were the guardians of peace, the guardians have failed, they have faltered to protect the rights of the citizens. पश्चिम बंगाल भाजपा नेता राहुल सिन्हाए जणाव्यु छे के राज्य में चूंटणी पंच और प्रदेश की सरकार साथ मळीने पंचायत की चूंटणी में लूंट चलावानो जे निर्णय कर्यो छे ते माटे आ प्रकार की हिंसा थई छे। तेमणे दावो कर्यो छे के केन्द्रीय सुरक्षा बड़ों ने बूथ में तैनात करवामां आव्या नथी। प्रदेश में हिंसा ने कारण कुल 10 लोकोना मौत थया छे। तृणमूल कांग्रेस की अंदर आंतरिक विवाद छे, यार बीजी तरफ टीएमसी भाजप और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुमलो करवामां आवी रह्यो छे। आ चूंटणी नहीं एक प्रहसन लागे छे, आ लोकोनी चूंटणी नथी। जब इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार मिल जाए और निर्णय ले ले जे तृणमूल पार्टी सत्ताधारी दल पूरा लूट करे चुनाव को, तो जो होना है वही हो रहा है। सेंट्रल फोर्स आया लेकिन उन लोगों को भेजा नहीं बूथ पे, सेंट्रल फोर्स आया उन लोगों को काम में नहीं लगा रहा है, तो ऐसा स्थिति बना के रखा जो पूरा इलेक्शन लूट हो जाए। और उसी हिसाब से जगह जगह में मारपीट दंगा हंगामा चल रहा है। अभी तो 4 आदमी का मौत हो गया। મણિપુરના બિષ્ણુપુર જિલ્લામાં કંગવાઈ વિસ્તારમાં રાત્રિ દરમિયાન બે સમુદાયો વચ્ચેની અથડામણમાં મણિપુર પોલીસ કમાન્ડો અને એક કિશોર સહિત 4 લોકો માર્યા ગયા। અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને સમુદાયના લોકો જ્યાં રહે છે તે વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ વધુ બગડતી અટકાવવા માટે સુરક્ષા દળો દ્વારા બરફ ઝોન બનાવવામાં આવેલ હોવા છતાં રાત્રિ દરમિયાન ગોળીબાર થયો। ગત રાત્રે એક ટોળું પહાડી પરથી નીચે આવ્યું અને ખીણમાં કેટલાક ગામોને સળગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આ ટોળું બહારના વિસ્તારમાં એકઠું થયું હતું અને સ્થાનિક લોકોની વિનંતી છતાં પણ પાછા હટ્યા નહીં। સુરક્ષા દળોએ બદમાશોને કોઈપણ ઘરમાં આગ લગાવવાથી અટકાવ્યા હતા। જો કે બંને સમુદાયના કેટલાક લોકોએ કાંગવાઈ, સ્વાંગડો અને અવાંગ લેખાઈ ગામોના અવરોધ વિસ્તારમાંથી એકબીજા પર ગોળીબાર કર્યો। ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં મેટ્રો સ્ટેશનને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી આપવામાં આવી છે, જેના પગલે રાજધાનીમાં દરેક મેટ્રો સ્ટેશનમાં સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે। મેટ્રો સ્ટેશનને ઉડાવી દેવાની ધમકી અપાતી આ માહિતી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ 112 પર મળી હતી। આ માહિતી મળતા જ પોલીસે ચારબાગથી હસરતગંજ સુધી ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે। મહત્વનું છે કે ફોન કરનાર બોમ્બ બ્લાસ્ટની માહિતી આપ્યા બાદ મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કર્યો છે। આ માહિતી મળતા જ આરોપી હજરતગંજ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ સાથે અનેક ઇન્સ્પેક્ટર લખનૌના હજરતગંજ મેટ્રો સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા। સૂત્રોનું માનીએ તો ધમકી મળ્યા બાદ પોલીસે રાત્રે લગભગ 12 વાગ્યા સુધી મેટ્રો સ્ટેશન પર સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું। આ ઉપરાંત ચુસ્ત સુરક્ષા સાથે ચેકિંગ પણ કરવામાં આવ્યું। આ દરમિયાન ચારબાગ મેટ્રો સ્ટેશન પર ચેકિંગ પણ કરવામાં આવ્યું। તેલંગણાના વારંગલમાં જાહેર સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા અને જણાવ્યું કે પ્રદેશ પરિવારવાદી રાજનીતિમાં ફસાઈ ગયો છે।
परिवारवादी लोकोने मात्र पोताना बाळकोनी चिंता छे। आ लोकोने देश अने तेलंगणाना अन्य बाळकोनी चिंता नथी। परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचारमां संडोवायेली छे। परिवारवादी कोंग्रेस अने बीआरएसना भ्रष्टाचारने समग्र देश अने तेलंगणाना लोको जाणे छे। तेलंगणाना लोकोए कोंग्रेस अने बीआरएसथी बचतुं रहेवुं जोईए। तो तेलंगणामां शासक करनार जे सरकार छे तेमणे लोकोनो भरोसो तोड़वानुं काम कर्युं छे। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। यूनिफॉर्म सिविल कोडनो ड्राफ्ट 15 जुलाई सुधी उत्तराखंड सरकार ने रजू करवामां आवी शके छे। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे निष्णातोनी कमिटीए यूसीसीनो ड्राफ्ट तैयार कर्यो छे। आ ड्राफ्ट मुद्दे 9 जुलाईए दिल्हीमां बैठक योजवामां आवशे। सूत्रोए जणाव्यु छे कि जरूर पड़शे तो उत्तराखंडना मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यूसीसी माटे विधानसभानुं स्पेशियल सत्र पण बोलावी शके छे। धामीए जणाव्यु हतुं कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करवा मांगे छे। बंधारणना अनुच्छेद 44 पण कायदो बधा माटे समान होवो जोईए तेवी वात जणावाई छे। उत्तराखंडना लोकोने यूसीसीनुं समर्थन कर्युं छे। यूनिफॉर्म सिविल कोडने लईने देशमां घणी चर्चा चाली रही छे। कायदा पंचे जे आ मुद्दे देशना लोकोने धार्मिक संगठनों पासेथी अभिप्राय पण मांग्या छे। आ दरमियान जम्मू अने काश्मीरना पूर्व मुख्यमंत्री अने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टीना वडा गुलाम नबी आजादे पण समान नागरिक संहिता पर प्रतिक्रिया आपी। तेमणे सलाह आपी छे कि केन्द्र सरकार यूसीसी विशे विचारवुं जोईए कारण के तेनाथी तमाम धर्मना लोको नाराज थशे। कलम 370 ने हटावा जेटलुं सरळ नथी। यूसीसीना कारणे मुस्लिमो ज नहीं परंतु शीख, ख्रिस्ती, आदिवासी, पारसी, जैन समाजना लोको पण नाराज छे। एक साथे आटला बधा धर्मने नाराज करवुं कोई पण सरकार माटे सारुं नहीं होय अने मारी आ सरकारने सलाह छे कि तेमणे आवुं पगलुं भरवानुं क्यारे न विचारवुं जोईए। कोंग्रेस पार्टीना महासचिव केसु वेणुगोपाले राहुल गांधीना समर्थनमां तमाम राज्योने प्रदेश कोंग्रेस प्रमुखने 12 जुलाईना रोज कोंग्रेस कार्यालयमां आवीने महात्मा गांधीनी प्रतिमा सामे एक दिवस माटे मौन रही सत्याग्रह पाळवा आदेश कर्यो छे। गुजरात हाईकोर्टे मोदी अटक निवेदन केसमां आपेला चुकादा बाद कोंग्रेस तरफथी आ आदेश जारी करवामां आव्यो छे। कोंग्रेसना प्रदेश प्रमुखने मोकलवामां आवेल पत्रमां जणाववामां आव्यु हतुं कि राहुल गांधी एकला नथी, तेमनी साथे लाखो कोंग्रेसी कार्यकर्ता अने करोड़ो लोको छे। आ लड़ाई सत्य अने न्यायनी छे। आ मौन सत्याग्रहमां कोंग्रेसना तमाम धारासभ्य, विधानसभा परिषदना सभ्य अने वरिष्ठ नेताओने हाजर रहेवा जणावायु छे। गुजरात हाईकोर्टना चुकादाने सुप्रीम कोर्टमां पड़कार छे। गुजरात हाईकोर्टे मोदी अटक संबंधित फौजदारी मानहानि केसमां कोंग्रेसना नेता राहुल गांधीने तेमनी 2 सजामां कोईपण प्रकारनी राहत आपवानो इनकार कर्यो। हाईकोर्टना निर्णय पर कोंग्रेस नेता पी चिदंबरमे पोतानी प्रतिक्रिया आपी छे। पी चिदंबरमे कह्युं छे कि भारतीय दंड संहितामां 162 वर्षना इतिहासमां पहेला क्यारे एवुं बन्युं नथी कि आवा निवेदनो माटे कोईने 2 सजा थई होय। તેમણે ટ્વીટ કરી કહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ બદનક્ષીનો સમગ્ર હેતુ તેમણે સંસદમાં સભ્યપદેથી અયોગ્ય ઠેરવવાનો હતો। આ પછી જે થયું છે તે ગેરલાયકાતને યોગ્ય ઠેરવવાનો પ્રયત્ન છે। કોંગ્રેસના નેતા પી ચિદમ્બરમે કહ્યું છે કે હું ફરીથી પુનરોચ્ચાર કરું છું કે ભારતીય દંડ સંહિતા લાગુ થયાને 162 વર્ષમાં આવો એક પણ કેસ નથી બન્યો જેમાં કોર્ટે મહત્તમ 2 સજા સંભળાવી હોય। મને આશા છે કે એક દિવસ આ મામલે ન્યાય થશે। भारतीय सेनाए पूर्वी लडाख क्षेत्र में सिंधु नदी ने पार कर दुश्मनोना स्थानों पर हुमलो करने युद्ध अभ्यास कर्यो। भारतीय सेनाए आ क्षेत्र में मोटी संख्या में टैंकर और सशस्त्र वाहनों तैनात कर्या। भारतीय सेना द्वारा शुरू कर अभ्यास में T-19 और T-72 टैंकर उपयोग थयो। आ विषे बात करता सेना अधिकारी जणाव्यु छे कि विपरीत परिस्थितियों ने पहुंची वळवा माटे अभ्यास करवामां आव्यो। भारतीय सेना 16,000 फूट की ऊंचाई पर टैंकनो उपयोग कर्यो। चीने पूर्वी लडाख में अवरचंडाई शुरू करता भारते आ क्षेत्र में मोटी संख्या में टैंक तैनात कर्या छे।
आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड या 30 सेकंड में फायर कर सकती है। लोकसभा चूंटणी ने ध्यान में राखीने भाजप विरुद्ध एकजूथ थवामां व्यस्त विपक्षी पार्टियों ने आगामी बैठक 17 अने 18 जुलाई रोज बेंगलुरु कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा आयोजित करवामां आवशे। आ दरमियान कांग्रेसे बैठक ने लईने सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने आमंत्रण मोकल्यू छे। आमंत्रण पर आपना राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाए कह्युं छे कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेसे कह्युं हतुं के चोमासु सत्र शुरू थवाना 15 दिवस पहला अमे दिल्लीना गैरबंधारणीय वटहुकम पर अमारू वलण जाहिर में स्पष्ट करीशुं, परंतु हजू सुधी कांग्रेसे पोतानुं वलण स्पष्ट कर्युं नथी। तेमणे कह्युं कि जो कांग्रेस वटहुकम पर पोतानुं वलण स्पष्ट नहीं करे तो अमारी पार्टी विपक्षनी बैठक में हाजरी आपवा पर विचार करशे। आगामी लोकसभा चूंटणी ने लईने तैयारीओनो धमधमाट वच्चे आगामी 18 जुलाई एनडीए नी बैठकनुं आयोजन थयुं छे। आ बैठक में एनसीपी ना बड़बाखोर नेता अने महाराष्ट्रना नवा नायब मुख्यमंत्री अजित पवार अने प्रफुल्ल पटेल पण सामेल थशे। एवा अहेवाल मळी रह्या छे के आ साथे ज दिल्हीना राजकारणमां अजित पवारनी प्रथमवार एंट्री थशे। आ बैठकमां केटलाक नवा अने जूना विखूटा पड़ी गयेला साथीओने एनडीएमां फरीथी सामेल करवा अंगे महत्वपूर्ण निर्णय कराशे। तो बिहारमां लोक जनशक्ति पार्टी हजू पण एनडीएमांथी बाहर छे, ज्यारे जीतन राम मांझीनी पार्टी, हम उपेन्द्र कुशवाहनी पार्टी अने मुकेश साहनीनी पार्टी अंगेनो निर्णय पण आ बैठकमां थशे। तो आ नेताओंनी बैठकमां हाजरी आपवा आमंत्रण पण मळ्युं होवानुं सांभळवा मळ्युं छे। रेलवे बोर्ड वंदे भारत सहित ट्रेनोना एसी चेर कार अने एक्सक्लूसिव क्लास में मुसाफरी करनाराओने मोटी राहत आपवानी वात करी छे। बोर्डे कह्युं छे के वंदे भारत सहित तमाम ट्रेनोना एसी चेर कार अने एक्सक्लूसिव क्लास में भाड़ामां 25% सुधीनो घटाड़ो करवामां आवशे। रेलवे बोर्डे जोनने एवी ट्रेनोमां जे कन्सेशनल भाड़ानी योजना दाखल करता कह्युं छे के जेमां छेल्ला 30 दिवसमां 50% ओछी संख्या धरावे छे। हिमाचल प्रदेश में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाए चीन और तिबेट संबंधों विषे बात करता जणाव्यु के हूँ बातचीत माटे हमेशा उपलब्ध छू। हवे चीन ने पण तिबेटना लोको ने ताकतनो ख्याल आव्यो छे। तिबेटनी समस्याओनो निकाल लावा माटे चीन मारी साथे संपर्क करवा मांगे छे। हूँ पण आ बातचीत माटे तैयार छू। अमे स्वतंत्रतानी मांगणी करता नथी। वर्षे पहला जे अमे चीनमां सामेल थवानो निर्णय कर्यो हतो, चीने सत्तावार के बिन सत्तावार रीते मारो संपर्क करवा मांगे छे। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with Tibetan problem, they want to contact with me. I am also